नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ कंचन। दिल्ली के कोचिंग संस्थान में बेसमेंट में पानी भर जाने से कई छात्रों की मौत की घटना के बाद इंदौर में कोचिंग संस्थानों पर कार्रवाई लगातार जारी है, जहां अब तक करीब 30 से अधिक संस्थान पर कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देश पर कार्रवाई हुई है। वहीं कोचिंग संस्थानों के साथ ही अब व्यापारिक क्षेत्र के अमानत भावनाओं पर भी कलेक्टर के ऑर्डर पर कार्रवाई हो रही है। कलेक्टर आशीष सिंह ने आज बताया है कि शहर की प्रमुख बाजार जैसे दवा बाजार, जेल रोड, जवाहर मार्ग, राजवाड़ा क्षेत्र, विजयनगर सहित ऐसे तमाम क्षेत्र हैं जहां अमानत तरीके से भवन तने हुए हैं और पानी की निकासी नहीं है, फायर सेफ्टी उपकरण नहीं है, ऐसे भवनों पर भी कार्रवाई की जा रही है। देखिए, बेसमेंट में जितने भी ऐसे संस्थान या ऐसी गतिविधियां चल रही हैं जिस पर बहुत अधिक समय तक बड़ी संख्या में लोग रहते हैं, जैसे उदाहरण के लिए कोचिंग या फिर लाइब्रेरी या फिर खाने इत्यादि की अगर कोई इस प्रकार की फैसिलिटीज़ हैं उनकी हम लोग बात करें, तो प्राथमिकता के तौर पर हम लोग ऐसी जगहों को टारगेट कर रहे हैं जैसे कि दिल्ली की घटना हुई थी उससे सबक लेते हुए। तो पहले चरण में जो ऐसी कोचिंग्स हैं, लाइब्रेरीज़ हैं, उनको हम लोगों ने देखा है, सुरक्षा के पर्याप्त मानक न होने की वजह से उनको सील किया गया है। कुछ जगहों पर बहुत ही ज़्यादा असुरक्षित माहौल में कार्य हो रहा था, छत के बजाय लोहे की या फिर प्लाई की शेड चद्दर लगा के लोगों को बैठाया गया था, ऐसी जगहों का रिमूवल भी हम लोग कर रहे हैं और FIR की कार्रवाई भी कराई जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ ज़्यादातर जो बेसमेंट है वो देखने में आया है कि पार्किंग जहाँ पर बननी थी उस पार्किंग की जगह पर कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ जो हैं वो संचालित करी जा रही हैं, जो पूरी तरीके से गलत है। वर्तमान में हम देखते भी हैं कि ट्रैफिक को लेके चाहे यातायात की समस्या हो या पार्किंग की समस्या हो, ये काफ़ी हद तक सुलझाई जा सकती है अगर इस प्रकार के बेसमेंट जिनमें पार्किंग होनी चाहिए थी, जिनमें पार्किंग नहीं हो रही है, कोई अन्य उपयोग हो रहा है, अगर उनको हम लोग पार्किंग के यूज़ में ले आए तो एक महीने का समय हमारे द्वारा सभी को प्रदान किया जाएगा और उसके बाद फिर हम लोग कार्रवाई करना शुरू करेंगे। आपके माध्यम से भी मैं सभी से अपील करता हूँ कि ऐसे जितने भी बेसमेंट हैं जो ओरिजिनल नक्शे में जिस समय निर्माण हुआ था पार्किंग के लिए जिनका प्रयोग होना था, अगर पार्किंग के लिए उनका प्रयोग नहीं हो पा रहा है तो कृपया उनमें जो भी आवश्यक संशोधन है वो करें और उनको पार्किंग में कन्वर्ट करें। अगर एक महीने बाद इस प्रकार से स्थिति रहती है तो आगे हमारे द्वारा कार्रवाई करेंगे। शहर का बहुत बड़ा व्यापार व्यापार है, जेल रोड पे बहुत सारे ऐसे मार्केट है जो नीचे बेसमेंट पे बने हैं और पार्किंग की भी सबसे बड़ी समस्या वहाँ पर। देखिए, दो प्रकार की चीज़ें, जैसा मैंने बताया कि जो इस प्रकार के नक्शे हैं अगर वो पास किए गए हैं या उनका निर्माण हुआ है पार्किंग के लिए और वहाँ पर कोई अन्य गतिविधि संचालित हो रही है तो हम लोग उसको कन्वर्ट करने का काम कराएंगे और अगर नहीं होगा तो हम लोग कार्रवाई करेंगे। अभी फिलहाल जो कोचिंग, लाइब्रेरी या इस प्रकार की जो चीज़ें हैं जिनमें बड़ी संख्या में लोग बेसमेंट में एकत्रित हो रहे हैं और वहाँ पर सुरक्षा के उपाय नहीं है, अभी हम लोग उनको सील कराने का काम कर रहे हैं। देखिए, अभी लगभग 30 के आसपास ऐसे संस्थाओं के अगेंस्ट में हम लोग 3 दिनों में कार्रवाई करेंगे। डाउनलोड करें।